जो हमारे नागपुर से साथी आए थे सुमेंद्र साहब, सुमेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें कही जो भूत विहार के बारे में उन्होंने विचार रखे। शायद मैं भी ऐसे ही विचार रखता हूँ, लोग मुझसे असहमत हो जाते, कहते भाई ऐसे बोला करो, ऐसे मत लिखा करो, बहुत पाबंदियाँ लगा दी है लोगों ने, मैंने लिखना भी बंद कर दिया है। तो चंदन साहब हमारे बहुत करीबी हैं, जब हम इंडस्ट्री जो बात कर रही, हमारे वकील साहब कह रहे थे कि भाई हमारे डॉक्टर क्यों नहीं अस्पताल खोलते हैं, हमारे लोग क्यों नहीं इंडस्ट्री खोलते, तो मैं चंदन साहब से अक्सर बात करता रहता हूँ। और इस सिलसिले में इनको पता है, सारे लोगों को नहीं, मैं इनको पता है कि जब हमने लोन लेने के लिए जब मैं सरकार, भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीमें 4 साल में चला रखी है, जानते होंगे आप, और वेंचर कैपिटल फंड, पता नहीं कौन कौन से फंड हैं, मेरी नहीं पता, चंदन साहब से मैं पता करता रहता हूँ। जब लोन लेने के लिए मैं गया तो लोगों ने कहा साहब नहीं मिलेगा, हमने आपको बता दिया था, लोगों ने बोला कि साहब नहीं मिलेगा, तो हमने बोला भाई नहीं मिलेगा, सरकार कहती है, आपकी सरकार कह रही है कि भाई आप स्कूल कॉलेज खोलो, इंडस्ट्री खोलो, अस्पताल खोलो, अपने लोगों को आगे लेके आओ, तो भाई अब आप हमें नहीं दोगे, हमारे लोगों को नहीं दोगे, तो आखिर क्या रिक्वायरमेंट है, लोन किस आधार पे दोगे आप, एजुकेशन पे दीजिएगा आप, किस आधार पे दीजिएगा आप, ये सोच रहे हैं कि भाई लोन लेने के लिए मैं अरबपति या करोड़पति बन के आऊँ तो मैं आपके पास लोन लेने शायद नहीं आता, आवश्यकता नहीं पड़ती, तो मैं तो भिखारी हूँ भाई, मैं आपके पास लोन लेने आया, और आप कहते हैं कि भाई आपकी एसेट 50 लाख की होनी चाहिए और 6 महीने पुरानी कंपनी होनी चाहिए, आपको उससे ज़्यादा लोन चाहिए तो आपकी एसेट इतनी ही होनी चाहिए, इतनी पुरानी कंपनी होनी चाहिए। तो अभी क्या है कि हमारे समाज में चंदन साहब जैसे, मिलिंद कमले साहब जैसे बहुत कम लोग पैदा हुए हैं कि इतनी पुरानी कंपनी हो या इस फील्ड में पुराने हों, और आपने कितने करोड़ का, 100 करोड़ का शायद वेंचर कैपिटल फंड था इनका, जितने भी करोड़ का हो एग्जैक्ट फिगर है ना, तो वेंचर कैपिटल फंड करीब करीब मुझे वहाँ मैं एजीएम साहब से सबसे बात की, लोगों ने बोला कि जी आपके समाज के लोग आते ही नहीं है, अरे भाई हमारे समाज के लोग कहाँ से आएंगे, हमारे जो आपने क्राइटेरिया बना दी है तो हमारे समाज के लोग कहाँ से आएंगे, मैं तो नेहरू प्लेस से IFCI टावर से वापस आ गया, फिर हमने चंदन साहब को बताया, चंदन साहब ने बोला डॉक्टर साहब एक कंपनी रजिस्टर कराओ, मैंने इनके सहयोग से, इन्होंने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम रिकमेंड किया था, मैंने कंपनी रजिस्टर कराई, आज कंपनी 5 महीने पुरानी हो गई, शायद 6ठे महीने होते के साथ मैं फिर वापस उसी जगह पर जाऊँगा, और कंपनी रजिस्टर कराने में साहब को पता है मैंने 30-35 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, तो मुझे कोई परवाह नहीं, मगर वो 30-35 हज़ार खर्च करके और 6 महीने मैं 6 महीने इंतजार करने के बाद मैं जाऊंगा, और मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि अपने समाज के लोगों के लिए एक कोई ऐसी इंस्टीट्यूट खोली जाए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोली जाए जहां हमारे बेसिक एजुकेशन जो ड्रॉप आउट रेट है 10 10+2 के बाद, तो ऐसे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दी जाए जिससे कि वो आगे कुछ कमाने लायक हो, और क्योंकि एजुकेशन ये बेसिक चीज़ है, बेसिक जो एजुकेशन है, तो इससे लोग आगे बढ़े, अपने परिवारों को आगे बढ़ाएं, और जैसे जैसे वो साइकिल बढ़ता जाएगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ बुद्ध विहार की बात हुई, मैं बुद्ध विहार पर पुनः उसी जगह पर, मैं दिल्ली के अंदर, सुमेंद्र साहब को नहीं पता होगा कि दिल्ली के अंदर हर्ष विहार एक जगह जहाँ पर मैं बुद्ध विहार, जहाँ के बुद्ध विहार में मैं एक फ्री मेडिकल कैंप चलाता हूँ, पहले मैं रोज जाता था, थोड़ी व्यस्तता की वजह से मैं कम जा पाता हूँ। हमारे बुद्ध विहारों में साहब ने बहुत अच्छा, सब लोगों का एक ही मत होगा इस मामले में, कि लोग रिटायर्ड होने के बाद या रिटायरमेंट के पहले सब लोग, दिल्ली की जितनी 99% बुद्ध विहार सबको कब्जा कर रखा है लोगों ने, किसी ने मना रखा है जी ये हमारा बुद्ध विहार है, आपको पड़ोसियों को नहीं जाने देगा, उसको ये डर रहता है कि भाई ये अच्छे लोग हैं, आएंगे अच्छा काम करेंगे तो भाई इनको कोई पूछेगा नहीं, रिटायरमेंट के बाद वही बुद्ध विहार में सुबह से शाम तक लगे रहेंगे, मगर दूसरों को नहीं आने देंगे, समाज का कोई अच्छा काम नहीं होने देंगे। तो हमें ऐसे लोगों से बुद्ध विहार को हमें मुक्त कराना होगा, इसके लिए आंदोलन करना होगा, हमें इसके लिए नहीं सोचना कि हमें लोग बुरा कहेंगे अच्छा कहेंगे, भाई बुरा कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं बुद्ध विहारों को, मैंने तो एक बार सोचा था कि मैं दिल्ली सरकार से पूछूं कि भाई ज़्यादातर बुद्ध विहार, आप लोगों को जानकारी हो, ज़्यादातर बुद्ध विहार सरकारी जमीनों पर बनी हुई है, जो सरकारी जमीन, गैर मजदूरिया जमीन, ऐसे जमीनों पर बना है, और आप उस संपत्ति को आप अपनी संपत्ति कहते हैं, 4 लोग मिलकर उसको कब्जा कर रखा है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, अगर हमारी किसी बात से किसी को ठेस पहुंचे तो माफ करेंगे, सब लोग ऐसे नहीं होते, बट मैंने कहा 99% लोगों ने कब्जा कर रखा है। आप किसी एक बुद्ध विहार की बात बता दें, लोग आपको प्रोग्राम करने जाएंगे, बोलेंगे जी
ये यहाँ संभव नहीं है, तो डॉक्टर साहब या इंजीनियर साहब ये संभव नहीं है, तो इतना पैसा लगेगा। अरे भाई, अगर हमारे पास पैसा रहता तो हम ऐसे ऐसी हॉलों में नहीं जाते, हिंदी भवन में, पंजाबी भवन में, पता नहीं कौन कौन से गुजराती भवनों में नहीं जाते। हम अपने मुर्ग हमारे मुर्ग घर में अगर प्रोग्राम हो तो उसका मजा, उसकी जो जो उसका सोशल इम्पैक्ट होगा ज़्यादा अच्छा होगा, मगर लोग नहीं जाने देते। आप देखेंगे मैं कितने लोग जाते हैं, तो गुरुद्वारों में लोग नहीं जाने। और जहाँ तक एक ही चीज़ मैं ये जो राजकुमार साहब ने भी कहा, हमारे पिछले 3-4 सालों से जो चल रहा है, और ख़ास करके 2018 में जो जितनी चेंजेस हो रही है, इतनी तेज़ी से बदलाव हो रही है, इसका एक चीज़ तो यहाँ पर राजकुमार साहब ने कह दिया, मैं पुनः उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोगों ने जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, नेताओं को हम लोगों ने प्रोग्राम में बुलाना। पहले तो भी किसी मंच पे वो नेता ही बैठे होते थे, कोई माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मंत्री, तो कम से कम इतना बदलाव आया। और आज मैं वसुंधरा, वो उत्तर प्रदेश का या दिल्ली के अंदर भी, जहाँ पे भी पॉलिटिकल नेता, सांसद, विधायक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग नाराज हो जाते हैं, उनको बोलने नहीं देते, क्योंकि वो तो गुलाम है, वो पैरों में वैसे ही धागा बांधे रहते, वही बात करते। और मैंने देखा है हमारे बहुत नेता भी, हमारे बहुत करीब ही है, वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब तुम प्रोग्राम कर रहे हो तो हमें इज्जत तो नहीं करवा दोगे। हमने बोला नहीं भाई, हमारे प्रोग्राम में आप समाज की बात रखें, अपनी पार्टी की बात मत रखें। मुझे पता है ना कि आप गुलाम हैं अपनी पार्टी के, समाज की बात रखो ना, समाज तुम्हारे साथ है। कितने सांसदों ने 20 मार्च के बाद रिजाइन दे दिया, किसी ने लेटर लिखा, किसी ने टीवी पे आके अपनी बात रखी, मगर उसने रिजाइन नहीं दिया, एक आध को छोड़ के, वो भी अब तो टेन्योर खत्म होने वाला है, एक साल में खत्म हो जाएगा। तो हमारे सांसद महोदय लोग, और देखेंगे 2019 के बाद जो मेजोरिटी जो सांसद हैं लोकसभा में, किसी खास पार्टी के, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा है ना, तो किसी एक खास पार्टी के है, और वो पार्टी 2019 में एक आध दो दलित सांसदों को छोड़कर किसी को रिपीट नहीं करेगी। वो रिपीट उसी को करेगी जो आरएसएस वाले हैं, जो पुराने जमाने से, कॉलेज के जमाने से, जो बाद में गए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, रिटायरमेंट के बाद, सबको धक्के लगा के जूते मार के 2019 में भगाएंगे। और इनको महसूस भी है, तो कुछ कुछ लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं या टीवी पे बैठ के, अखबार पे बैठ के, या व्हाट्सएप पे बैठ के, या आजकल यूट्यूब चैनल भी लोगों ने खुलवा दिया है, उससे अपनी बात रहे, उनको लगता है कि मैं ये बातें कह रहा हूँ तो हमारे समाज के लोग जो है हमारी बात मान लेंगे, और फिर मगरमच्छ की जैसे जो पाला बदल के फिर इधर आऊँगा, तो लोग, मगर समाज के लोग अब जान गए हैं उनको। जहाँ रमेश सागर साहब ने कहा कि नेतृत्व की बात कही इन्होंने कि भाई कितने लोग नेतृत्व करने के को तैयार हैं, मैं बताऊँ, इंजीनियर साहब से हम लोग बात होती है, चंदन साहब, हम लोग उन्हीं के साथ काम करते हैं, अभी अनिल जी ने कहीं बाहर गए हुए हैं, तो अभी 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर शरद यादव साहब ने कुछ शिक्षण किया था, उसमें हमारे समाज के मूल निवासी समाज के SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे लोग बिहार, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से आए थे ताल कटोरा में। तो हमें KKL गौतम साहब अपने वकील जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो जाफा ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाया था, जाफा के बारे में बहुत लोग, अशोक कुमार साहब, इंजीनियर साहब एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, सब लोग हैं, तो KKL गौतम साहब जो, उन्होंने फ़ोन किया कि जी शाम में इन स्टेटों से लोग आए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग, और हम लोग मीटिंग करना चाहते हैं। महाराष्ट्र सदन में हम लोगों ने मीटिंग की 3 घंटे, उसके बाद फिर लोगों ने बोला कि भाई अभी हम लोगों को तो छत्तीसगढ़ वापस जाना है, डॉक्टर साहब हम लोग तो जल्दी वापस नहीं आ सकते, तो फिर लोग चल के इंडिया गेट पे गए, और घास पे, मैं पहली बार घास पे बैठ के इंडिया गेट, मैं जाता नहीं इंडिया गेट, तो सब लोग रात को करीबन 8:30-9 बजे तक, नहीं तो 30-35 लोग मीटिंग की, और फिर ये सहमति हुई, आपस में सहमति हुई कि नेशनल लेवल पे बहुत सारे संगठन है, मैं ये नहीं कर रहा, नेशनल लेवल पे SC ST OBC एक फोरम, माइनॉरिटी फोरम बनाई जाए, और जो कि सब आपस में कोऑर्डिनेट करें, बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि ये संगठन नहीं चलनी चाहिए, बट आपस में कोऑर्डिनेशन। और हम ये देखें, ये आप महसूस कर रहे होंगे 2018 के पहले हम कहीं मीटिंगों में जाते थे, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, कभी बोलते थे तो बीच में कोई टोकना शुरू कर देता था, उसके हम लोगों की इतनी सहनशीलता बढ़ गई है कि हम कुछ भी बात करते हैं तो लोग आराम से सुनते हैं बातों को। अपनी तो पहले ऑब्जेक्टिव मीटिंग, चाहे बाबा साहब की जयंती हो या कोई हो, तो बीच में टोक देते थे,
कि भाई उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनकी बात बीच में खत्म किया जाता। तो हमारे लोगों में नेतृत्व की क्षमता, सहनशीलता ये सब चीज़ें बढ़ी है। और जो 2 अप्रैल को जो घटना हुई, मीन्स जो हम ये कह रहे हैं कि भाई बिना पॉलिटिकल मूवमेंट, बिना पॉलिटिकल लोगों के, तो इससे एक बहुत बड़ा संदेश देश में गया है। और लोग तैयार बैठे हैं। अभी जो हमारी परसों बातें हुई, मीटिंग हुई, इसमें हुआ कि भाई 2019, क्योंकि हम लोग 127वीं जयंती मना रहे हैं और करीब करीब अभी ये मई जून के बाद हम फ्री हो जाएंगे सब लोग, तो सब लोग अपनी नौकरियों में, पढ़ाई में लग जाएंगे या अपने घरों में लग जाएंगे। तो ये 2019 जब बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को आएगी, तब तक देश में शायद अगर 6 फेज में चुनाव हो रहा होगा, तो हमने लिखा भी है 6 फेज में अगर चुनाव हो रहा होगा तो 1 या 2 फेज का चुनाव 14 अप्रैल तक हो गया होगा। तो हमें ये तय करना है कि 2019, क्योंकि ये बहुत ये तय करने का है 2018-19 तक कि हमें क्या करना है दिशा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और 2019 अगर हम 2019 में हमने तय नहीं किया मिल के आपस में, मूल निवासी समाज की बात कर रहा हूँ, अगर हमने तय नहीं किया तो फिर 2024 और 2025 की बात होगी। हम तो 2019 की बात कर रहे हैं, वो 24 और 25 की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो तय मान बैठे हैं कि 2019 उन्हीं का है। मगर अगर हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके, अगर हम लोगों ने ये दिसंबर 2018 तक तय कर लिया, मैंने लोगों को बोला है भाई जितनी मीटिंगें करनी हो, जितनी बैठकें करनी हो, आप दिन में कीजिए, रात को कीजिए, और कभी टूटे साहब है यार कुंटे साहब है लोग जानते हो, तो हम लोगों ने आपस में मिलकर ये किया, जितनी मीटिंगें करनी हो दिसंबर के बाद कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए, दिसंबर के बाद कोई लोग दिखने नहीं चाहिए, अपने अपने संघ एसोसिएशन, अपने अपने राज्यों में जाके अपने अपने लोगों को, अपने लोगों के बीचों में जाके उनको बताइए कि भाई 2019 ये जो चुनाव आ रहा है उसमें हमें क्या करना है। ये क्लियर कट एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या करना है। मैं नहीं कह रहा कि किसको वोट देना है, मगर हमें क्या करना है, तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए दिसंबर तक। नहीं तो फिर 2019 चुनाव के बाद जो है फिर हम वो पछताते रहेंगे, फिर अफसोस करते रहेंगे कि जी हमारे लोगों ने इनको वोट दे दिया, हमारे लोगों ने इनको वोट दिया। तो मैं इन सभी बातों के साथ, क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं और खाने का भी समय है, तो मैं आप सभी का जाटो प्रगतिशील संघ जो है इसकी तरफ से धन्यवाद, तो एकाधिकार बनता ये करेंगे, मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। और 26 मई सुमेंद्र साहब, मैं सभी साथियों को आग्रह करूँगा 26 मई 2018 शनिवार को जी गुरु तेग बहादुर अस्पताल इंसार गार्डन में हमने परिचर्चा रखी है बाबा साहब की जयंती, और परिचर्चा इसी सब्जेक्ट पे केंद्रित होगा, बहुत सारे विषय पे हम नहीं भटकेंगे, इसी चीज़ों पे केंद्रित होगी। मैं आप लोगों को आग्रह करूँगा सुबह 9:30 बजे से जेपी हॉस्पिटल के प्रोग्राम में आप जरूर आएँ, और शायद वो मंथन जो उसके 26 को जो शुरू होगा बहुत तेज़ी से चलेगा, हर हफ्ते चलता रहेगा। तो मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ जेपी हॉस्पिटल में और हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है ऑल इंडिया एससी डॉक्टर एम्प्लाई एसोसिएशन। मैं अपनी तरफ से हमारे लोग कोशिश करते हैं कि मैं समाज का मदद करूँ, जेपी हॉस्पिटल के लेवल पे जो मदद होती है मैं करता हूँ। कभी मैं शाम को प्रेस में था रात को 10 बजे तक, तो इस बीच में फ़ोन आ रहा है कि ग्रेटर नोएडा से कहीं गाजियाबाद से कहीं एक्सीडेंट हो गया, मैं बैठ के ही सारा काम वहीं से कर रहा था अपने जो हमारे वहाँ पे डॉक्टर जूनियर डॉक्टर है, मैं उनको रिक्वेस्ट करके लोगों को। तो समाज ऐसे ही चलता है, कोऑर्डिनेशन से चलता है, जो चीज़ उससे नहीं होती मुझे आपसे करवाना है, आपसे लेना है, जो आपसे नहीं होता आप उससे लीजिए। और जो लोग तन से नहीं कर सकते, मन से नहीं कर सकते, तो कम से कम धन तो दें। तो ये भी बदलाव आ रहा है, लोगों ने धन भी देना शुरू किया है, ये बदलाव भी आ रहा है। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।